पूरा हर कोई एंजॉय कर रहा है। वो लोग तो कहता हिला ही दिया भाई, वो लोग डांस ही कर रहा है पता। वो देखो यार दिन भर ऐसे ही चिल्लाता रहता है, 150, 200, 500, 100 अंकल जी भी ऐसे ही बोल रहा है, हम लोग तो 2 भी ले लिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो आप लोगों को गुड आफ्टरनून। और अभी हम लोग जस्ट अभी बस से उतरे हैं, और अभी आप लोगों को जो बोले थे ना कि आज समंदर के शहर कराना है, तो गाइस अभी यहाँ पे पास पे एक सुपर मार्केट है। अभी फ़िलहाल मतलब दोपहर भी हो गया, तो कुछ लंच भी कर लेंगे और कुछ हम लोग को शॉपिंग भी करना है तो वो भी कर लेंगे। ये बात तो हमको रूम में ही बोलना चाहिए था, लेकिन रूम में जो है ना मतलब कुछ काम था तो इसीलिए नहीं बोल पाए थे गाइस। तो अभी फ़िलहाल पहुँच ही गए हैं, तो अभी फ़िलहाल शॉपिंग करेंगे, फिर थोड़ा बहुत लंच करेंगे, देन आप लोगों को लेके चलेंगे मतलब समुंदर के किनारे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं ऐसे गाइस। तो गाइस अभी हम लोग मार्केट में है, एक सुपर मार्केट की जैसा ही है, इधर हर एक चीज़ मिलेगा, वो भी पूरा सस्ता में, 100 रुपीज़, 200 में। देख रहे हो कितना मस्त मस्त माल है, ये सब 100 रुपये में मिलता है ग्रो। मेरा भाई भी लेगा शायद, हम तो देख ही रहे हैं क्योंकि हमको तो उतना अच्छा भी नहीं लगता, तो हम सोच रहे हैं क्या करें नहीं करें। मेरा भैया ले रहा है शायद, ले रहे हैं क्या? सही है, इधर सुपर मार्केट में मेरा ब्रो को कुछ पसंद भी नहीं आया और हमको भी नहीं आया। और अभी 12 हो गया और अभी हम लोग को भूख भी लग गया, तो हम लोग अभी फ़िलहाल होटल ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूख लगा, तो थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं, फिर आप लोग आज समुंदर का सैर कराएंगे। तो अभी फ़िलहाल एंड फाइनली गाइस हम लोगों को होटल भी मिल गया और जा रहे हैं अभी लंच टाइम का कुछ करके आते हैं। ये रहा होटल, देखते हैं इधर हम लोगों को क्या मिलता है खाना पीना। क्या खाना है? तो अभी फ्रेश होकर हम और भाई आ गए लंच करने। यार इधर इतना धूप है ना, आज तो आए हैं समुंदर का सैर करने, लेकिन क्या होता है कुछ ज़्यादा ही धूप है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग लंच का वेट कर रहे हैं, फिर आएगा वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलते हैं आज का ब्लॉग में समुंदर का, आप लोगों को शेयर कराते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का लंच भी आ गया, एक बार आप लोग देख लो, ये है बिरयानी है और क्या है भाई, बिरयानी और क्या, ओ मस्त है। तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर आप लोगों को लेके चलते हैं समुंदर के किनारे। तो अभी तो बहुत ज़्यादा ही धूप गिर रहा है बाहर, तो फ़िलहाल थोड़ा खा लेते हैं, फिर थोड़ा मतलब रेस्ट करेंगे, दिन आप लोगों को लेके जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं सुपर मार्केट, और यहाँ पे हम लोग 150 रुपये वाला माल खरीद रहे हैं जो बिल्कुल ही सस्ता है। हमारे उधर एक चनरदा हटिया नहीं है पैसा वाला, पूरा एकदम मतलब भाई लोग क्या ही बताएं, इन लोगों का दिन भर ऐसे ही चिल्लाता रहता है, 150, 200, 500, 100 अंकल जी भी ऐसे ही बोल रहा है, हम लोग तो 2 भी ले लिए। ये मेरा ब्रो अब तक चूज़ कर रहा है, देख रहे हो भाई लोग कितना ब्रांड ब्रांड, 300 रुपये में कभी ब्रांड मिलता है क्या, फिर भी ये लोग बोल रहा है ब्रांड ब्रांड। तो अभी हम लोग 3 भी ले लिए ब्रांड के चक्कर में, क्योंकि हम लोगों के पास उतना तो बजट है ही ना, फिर भी आ गए इधर ट्रैवलिंग करने के लिए। तो अभी हम लोगों को फिलहाल 2 ले लिए और ये ब्रो भी और चूज़ कर रहा है, तो अभी यहाँ से जो है ना मतलब ख़रीदेंगे फिर जाएंगे उधर। ओ फ्रेंड्स फाइनली पहुँच चुके हैं समुंदर के गेट में, जस्ट यहाँ पे गेट है आगे, एक बार देख लो, और इसी से हम लोग एंटर करेंगे। भाई तो पहले ही चले गया, फिर अभी हम जाएंगे, फिर आप लोगों को पूरा वहाँ का व्यू दिखाएंगे, तो कुछ ज़्यादा ही मतलब मज़ा आने वाला है, तो चलते हैं यार। यह है उसका अंदर वाला, यहाँ पे इतना अच्छा हवा आता है ना, देख के ही मज़ा आ जाता है। यहाँ पे शॉप उप है, जो यहाँ पे आईफोन भी मिलता है, वो भी सेकेंड हैंड वाला। इधर बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है यार, यहाँ पे इतना मतलब अच्छा फीलिंग है ना, मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, मतलब पूरा ठंडा सा हवा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा सा आ गया, यहाँ पे पूरा कूल लग रहा है।
कतई कंफर्टेबल टाइप लग रहा है ब्रो। अब समंदर भी आप लोगों को दिखा देते हैं, यहाँ पे हम लोग बोटिंग भी करने वाले हैं। तो ये देखो भाई कितना बड़ा समंदर है, यहाँ पे सब घूमने आया है समुंदर की सैर करने। हम लोग भी पहुँच गए, ये देखो जो कि बहुत ही बड़ा है गाइस। लोग अब इसमें हम लोग बोर्डिंग भी करने वाले हैं। तो मेरा ब्रो किधर गया यार, ये देखो भाई लोग कितना ही मस्त है यार, बहुत बड़ा है वो सब जहाज़ है। अभी यहाँ पे एक ऊपर लोकेशन है, यहाँ पे हर कोई आके फ़ोटो वोटो खींचता है। यहाँ पे बहुत अच्छा हवा भी लगता है भाई, देखो हर कोई वैसा सब फ़ोटो खींच रहा है। हम भी आ गए, तुम्हारा भाई फ़ोटो नहीं खींच रहा भाई, तुम्हारा भाई मतलब ब्लॉग बना रहा है गाइस। देख रहे हो हर कोई लगा हुआ अपना मोबाइल के साथ फ़ोटो खींच रहा है। यहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग टाइप का है, वो देखो बोर्ड उसमें हम लोग अभी जस्ट बोर्डिंग करने वाले भाई। सब लोग देख रहे हो सब हर कोई फ़ोटो वोटो खींच रहा है। यहाँ का नज़ारा भी मस्त है, यहाँ पे समुद्र के किनारे सबसे ऊपर है ना, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हवा आता है तो पूरा अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पे हर कोई इंजॉय कर रहा है, हम लोग भी आ गए, यहाँ पे हवा भी लग रहा है बहुत मस्त। ये देखो हर कोई फ़ोटो वोटो ही खींच रहा है, मज़ा आ गया ये लोकेशन पे लेकिन, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हवा लग रहा है। गाइस अब आप लोगों को पूरा करीब से आप लोगों को ये दिखाएंगे बोट। देख रहे हो यार कितना मस्त, ये देखो यार वाच कितना बड़ा है। इसमें एक चीज़ नोटिस करना है, इसमें जो है ना सेकंड का कांटा नहीं है। ये देखो इसमें जो है ना सेकंड का कांटा बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ पे देख रहे हो बंदा सबको सब DSLR कैमरा लेकर फ़ोटो खींच रहा है। ये है समुंदर का करीबी नज़ारा नियरेस्ट। हर कोई बोटिंग करके अभी जस्ट आ रहा है, हम लोग भी जाने वाला है क्योंकि हम लोग यहाँ पे आ गए, हम और हमार ब्रो आ गए फ़िलहाल, क्योंकि हम लोगों को भी बोटिंग करने का ही शौक़ है। तो देखते हैं क्या होता है, हम लोग तो फर्स्ट टाइम बोटिंग करने वाले हैं, तो देखेंगे वहाँ का रिएक्शन क्या होता है गाइज। फाइनली गाइज हम लोग बोट का टिकट भी ले लिए और अभी जस्ट जा रहे हैं बोट में बैठने। ओरा हम लोगों का मंजिल जा ही रहे हैं, बहुत सारा लोग है यार, हम लोग भी जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ में क्या क्या होता है। क्योंकि तो गाइज फाइनली बोट भी स्टार्ट हो गया और अभी हम लोग चल पड़े समुंदर की सैर करने, जो कि दिल थाम के बैठे हैं, जो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो समुंदर की सैर करते करते आप लोगों को इस समुंदर के बारे में कुछ मतलब एड्रेस वगैरह और यहाँ पे मतलब ये जो इतना सारा बोट है ना भाई, ये सब जो है ना सिर्फ मतलब ये लोग टूर करने जो लोग आता है वही लोग इसमें आके एंजॉय करता है। देन यहाँ पे और इंटरनेशनल भी बोट रहता है जो मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, मतलब बहुत सारा लोग भी आता जाता है। और ये जगह मतलब यहाँ का एड्रेस क्या है भाई, ये जो है ना मतलब केरल में एक मेन का नाम का जगह है, वहीं पे ये जगह है। तो यहाँ का मतलब पूरा ये देखो नज़ारा क्या ही मस्त आता है भाई। अभी हम लोग बोट में और ये समुंदर है, जो मेरा मोबाइल गिर गया तो फिर मेरा ब्लॉग भी गया हवा पीने और पानी भी पीने। तो यहाँ का मतलब मौसम देख, यहाँ पे पूरा ठंडा सा हवा आता है जो कि बिल्कुल दिल को ठंडक मिल गया और मज़ा भी आता है। पूरा एक घंटा हम लोग को मिलेगा इंजॉय करने के लिए। अभी हम लोग उस टावर पर थे, वहाँ पर कुछ बातचीत भी किए, फिर अभी निकल गए समुंदर का सैर करने। और यहाँ पे समुंदर में जो है ना मतलब घूमने का कुछ अलग टाइप का ही मज़ा आता है। अगर आप लोग आना चाहिएगा तो आ सकते हैं, बहुत सारा लोग बोट में, अभी अंकल जी ड्राइव कर रहा है
यही बोट ड्राइव है। पूरा लोग अभी बोट का एंजॉय कर रहे हैं, मतलब समुंदर का। हम दोनों भाई तो ठहरे, मतलब बिहारी एक्स्ट्रा लेवल वाला। हम लोग भी फिर भी आ गए, पूरा एकदम क्या ही व्यू है भाई, ये देखो पूरा मस्त सा लग रहा है। ये सब तो बिल्डिंग है, ये है व्यू आगे का, सामने का पूरा रोमांटिक वाला हवा लग रहा है भाई। ये देखो मेरा मोबाइल अगर गिरा तो फिर मेरा ब्लॉगिंग का चौपट हो जाएगा। अभी म्यूजिक भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी सब जो लोग यहाँ पे घूमने आया ना बोट में एंजॉय करने, उन लोगों को तो कुछ मतलब ये चाहिए, इसलिए म्यूजिक भी स्टार्ट कर दिया। अभी फुल एंजॉय है गाइस, तो आप लोग देखते रहो व्यू समुंदर का। उधर जो है ना, उधर है इंटरनेशनल जहाज, जो मतलब एक देश से दूसरे जगह जाता है। यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, केरल में अगर कोई है तो आप लोग जरूर आ सकते हो। केरल में ही है ये समुंदर है। ये देखो व्यू क्या ही मस्त लग रहा है, बहुत गहरा है भाई, बहुत बड़ा समुंदर है यार। छोटा बच्चा भी आया, बहुत बहुत छोटा, क्यूट सा लग रहा है देखने में। इसको भी देखो, ये भी वीडियो ही बना रहा है, पूरा उधर सब कोई एंजॉय कर रहा है। क्या ही मजा आता भाई, एकदम मस्त सा फीलिंग लग रहा है। पूरा यहाँ का व्यू देख रहे हो, एक छोटा सा आइलैंड का जैसा है एकदम। यहाँ पे जो है ना, अभी म्यूजिक भी बज रहा है और यहाँ तुम्हारा भाई मतलब क्या ही बताए, कुछ अलग टाइप का फीलिंग आता है, जो कि कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। पूरा फुल एंजॉय ब्रो, सबको देख रहा, हर कोई एंजॉय कर रहा है। देखो यार व्यू क्या मस्त है यार, एकदम ओपी जैसा लग रहा है। अगर हमारे पास DSLR कैमरा होता तो फिर कुछ मज़ा ही आ जाता। मेरा भाई को वहाँ पर अभी वो एंजॉय कर रहा है। हम यहाँ पे कुछ बोलने आए, क्योंकि हमको तो ब्लॉगिंग करना है। पूरा एकदम इतना मज़ा आता है ना भाई, क्या ही बताए। वो जो टाइटैनिक मूवी देखे ना, वैसा वाला ही फीलिंग आता है एकदम। तुम्हारा भाई इतना ये है कि हम बोल नहीं सकते आप लोग, अभी हम इतना मतलब हैप्पी है। तो बस सिर्फ एक हीरोइन का ही कमी है, लेकिन पूरा इंजॉय करो, देख रहो इतना मस्त आता है, इतना मस्त लगता है, कैसे बताऊँ यार, पूरा मज़ा सा आ गया। वो सिर्फ टाइटैनिक मूवी जो देखा उसको ही पता होगा, क्योंकि वैसा ही फीलिंग आ रहा है। ये देखो पूरा समुंदर का व्यू, पूरा मस्त लग रहा है यार देखने में। वो जो है ना, वो इंटरनेशनल जहाज़ है, जो मतलब एक देश से दूसरे देश जाता है। वो देखो यार पूरा समुंदर के किनारे किनारे बिल्डिंग सब, कितना मस्त लगता है देखने में। और ये आगे का व्यू है जो जो यार, मतलब समुंदर का ये बोटिंग ने किया यार वो लोग, मतलब हम तो फर्स्ट टाइम आए ना, तो हमको इतना मज़ा आता है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोग मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप लोग आ सकते हैं तो एक बार आके देखना। यहाँ का मतलब यहाँ का फीलिंग ही कुछ अलग टाइप का ही रहता है भाई लोग, पूरा एकदम जन्नत जैसा लग रहा है। पूरा मज़ा आ गया यार, देख रहे हो मेरा एयरफोन भी ना यार पीछे चला जाता है। ये सब बीच में छोटा छोटा क्या है हमको पता नहीं है, समुंदर के बीच में। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर जानकारी हो तो आप लोग कॉमेंट के थ्रू बोल देना, क्योंकि हमको तो उतना नॉलेज नहीं है। तो अभी हम फिलहाल इंजॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक भी बाज रहा है, वो क्या बोलते हैं केरल लोग का पता नहीं है ऐसा कौन सा, हमको थोड़ा भी समझ में नहीं आता है, फिर भी इंजॉय ही कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, पूरा एकदम मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे गाइस क्या, समुंदर के किनारे एक छोटा सा पार्क है जो देखने में बिल्कुल मस्त लग रहा है। इसमें हम लोग नहीं आए क्योंकि उधर ही हम लोग था ना, तो ये बहुत दूर है, तो इसीलिए नहीं आए थे। तो आप लोग वीडियो के थ्रू एक बार देख लो, थोड़ा अच्छा से जूम कर देते हैं। बहुत मस्त है यार ये वाला भी लोकेशन, बहुत मस्त है। ये रहा बोट, और एक यहाँ पे भी एक बोट है,
ये बोट में यार बैठना था यार, ये भी अच्छा है लेकिन ये और अच्छा है, ये जो है ना और अच्छा है, ये भी अच्छा है लेकिन इसमें भी मज़ा आया बहुत। अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग आए थे ना वहाँ पर फिर रिटर्न जा रहे हैं, फिर हम लोग अब घर चले जाएंगे। आज का यार मतलब देखो आज का पूरा एंजॉय, हर कोई वीडियो बना रहा है क्योंकि ये जगह ही है यार ऐसा वीडियो बनाने वाला। यहाँ पे मतलब ना चाहते हुए भी नींद आता है यार, क्या ही बताएं। मेरा भाई को देखो वो सो रहा तब से, वो बोल रहा यार हमको नींद आ रहा हमको तो नींद बिल्कुल नहीं आ रहा है क्योंकि हमको बहुत मज़ा ही आ रहा है, पूरा मज़ा आ गया यार। आज तो समुंदर का बोटिंग भी कर लिए, पूरा एंजॉय भी हो गया आज। यहाँ पे मेरा हम लोगों के पास में एक बोट आया जो ना उसमें एक मतलब अच्छा से वो लोग लड़की लोग मतलब डांस कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लो, वो लोग भी फुल एंजॉय ही कर रहा है। वो देखो यार वो मेरा पास में ही इससे गुजर रहा है, वो भी बोट, वो लोग भी रिटर्न आ रहा है यार। जूम क्यों नहीं हो रहा यार, वो देखो यार वो लोग क्या ही मतलब कि डांस कर रही थी, पूरा हर कोई एंजॉय कर रहा है। वो लोग तो कहता है हिला ही दिया भाई, वो लोग डांस ही कर रहा है पता। वो देखो यार वो देखो कितना अच्छा से डांस कर रही है, वो लोग क्या आ रही है। तो हर कोई गाइस मतलब हिला दिया पूरा एंजॉय करके आज का पूरा गाना होना बजा के। हमारे इधर गाना बजता है यहाँ पे मतलब बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना कोई मतलब उतना भी डांस वंस नहीं करता, हम ही एक ऐसा है जो इधर पूरा मतलब वीडियो वीडियो बना रहे हैं मतलब बोल के, नहीं तो सब ऐसे ही कैमरा पकड़ के वीडियो बनाता है। वो लोग वहाँ पे उस बोट में जो है ना बहुत सारी लड़की सब थी, तो इसीलिए वो लोग डांस कर रही थी, फुल इन्जॉय किया। हमको तो यार मतलब शायद हमको ऐसा लगता है कि हम ही मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन्जॉय किए। अंकल जी को देख रहे हो कितना अच्छा से ड्राइव कर रहा है, एकदम मज़ा से आ गया यार। तो अभी फाइनली एक जो है ना मतलब ये बोट में एक हिंदी गाना बज रहा है जो मतलब गंदी बात है, पूरा मज़ा आ गया यार। यहाँ पे एक छोटा सा बोट है ना, ये है यार, इसको क्या कहता है आइलैंड। पूरा यहाँ पे मतलब घर भी है यार, सबका कार भी देख रहे हैं, पता नहीं आइलैंड में मतलब इधर से कार और कैसे आया यार, बीच में घर भी बना के रखा है, ये कितना मस्त है यार। ये सब कौन सा जहाज़ है भाई, ये सब कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है देखने में। देखो यार हम जूम कर देते थोड़ा बहुत, ये आइलैंड है भाई लोग, बहुत मस्त है, पूरा मज़ा आ गया यार देख के। तो गाइज फाइनली हम लोग अपना डेरा भी आ गए, और वहाँ पे समुंदर में बोटिंग करके बहुत मज़ा आया था। और एक प्लेस था मेरा ब्रो बोल रहा था वो जो है ना और अमेजिंग था, बट वहाँ पे हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि हम लोग दो दिन का छुट्टी लेके गए थे। फिर भी हमारा मैम कॉल कर दिया कि जल्दी आ जाओ इधर काम है, सो हम लोग उधर से जल्दी रिटर्न आना पड़ा। लेकिन जो भी हुआ वहाँ पे समुंदर में जो है ना बोटिंग करके बहुत मज़ा आया। और हम तो अभी ब्लॉग एंड करने आए तो ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि
ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया। तो गाइस आप लोगों को मतलब कि ये मेरा फर्स्ट टिप आप लोगों को कैसा लगा, और ये वीडियो में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलना। एंड अगर आप लोग कभी मतलब नहीं गए हैं समुंदर में बोटिंग करने तो एक बार जा सकते हैं, क्योंकि यार वहाँ का फीलिंग जो है ना कुछ अलग लेवल का ही होता है। वहाँ पे जो है ना कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। लेकिन जो वहाँ पे और एक अमेजिंग प्लेस था वो तो नहीं घूम पाए। फिर नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे ना तो फिर आप लोगों को ज़रूर घुमाएंगे। तो अभी तो हम लोग आ गए, फिर अभी हम लोगों को काम पे लगना है। अभी सुबह का मतलब 8 बज गया, अभी फिलहाल नहा धो के हम रेडी है, बिल्कुल ब्रो गए नहाने, फिर वो नहा के आएंगे, फिर हम दोनों काम में बैठ जाएंगे। तो गाइस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। एंड फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।